लोग लास्ट क्लास इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे, सेक्शन 63 के बारे में समझ रहे थे। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, बोनस शेयर्स क्या है, क्यों एक कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करती है, सेक्शन 63 बोनस शेयर्स के बारे में क्या क्या कंडीशंस वगैरह बताता है, एंड बोनस शेयर का बेसिक अकाउंटिंग, ये हमने अभी तक सीख लिया। एक बार फटाफट बोलता हूं लास्ट क्लास क्या पढ़ा था। सबसे पहला पॉइंट में पढ़ा था, जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स इश्यू करता है आउट ऑफ इट्स रिजर्व, इसको हम लोग बोनस शेयर्स बोलते हैं। यहां तक ठीक था। ये बोनस शेयर्स रिजर्व से इश्यू किया जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। ट्रांजैक्शन होता कैसा है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर्स इश्यू करेगा नया, बट उनसे कोई कंसीडरेशन नहीं आएगा। कंपनी के हाथ में क्या होगा, कंपनी के बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट होगा, एक साइड रिजर्व्स कम हो जाएगा और दूसरे साइड शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। रिजर्व्स कम होगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, तो नेट में जो शेयर होल्डर्स फंड है, क्या शेयर होल्डर्स फंड जहां शेयर कैपिटल और रिजर्व्स आता है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। इन्वेस्टर या शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज बट देयर विल बी नो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो बिना कोई पैसा लगाए उसके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो बढ़ जाएंगे। डन। एक कंपनी बोनस शेयर्स क्यों इश्यू करती है, ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा था। सबसे पहले बोला कि बोनस शेयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लाइक डिविडेंड। फर्क क्या है, वहां पर कैश देते हैं, यहां पर कैश नहीं देते, शेयर्स इश्यू करते हैं नया। तो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव टू शेयर होल्डर्स कि भैया हमको कंपनी ने हमारे प्रॉफिट से कुछ हिस्सा दिया, तो ये इंसेंटिव टू शेयर होल्डर है। नंबर टू, यहां पर कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, कैश आउटफ्लो नहीं होता तो कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है, कैश पोजीशन है, वो इंटैक्ट रहती है। नंबर थ्री, यहां पर कोई टैक्सेस पेमेंट नहीं करना पड़ता, लाइक डिविडेंड में जब आप सीडीटी पे करते हो, बोनस के लिए कोई अलग से इनकम टैक्स पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो डिविडेंड से बोनस दो कारण से अच्छा है, नंबर वन यहां पर आपका कैश लिक्विडिटी खराब नहीं होता, नंबर टू जो आपका कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है वो बच जाता है। ना इतना बात, बोनस जो कंपनी देती है उससे मार्केट में कंपनी के शेयर्स की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिससे बाइंग एंड सेलिंग बहुत सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो लोग इजीली बाय एंड सेल कर पाएंगे शेयर्स को। ये वाला हमने पहले रीजंस और एडवांटेजेस डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग आए कि बोनस इशू का कुछ चीजों पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जो आपको लगता था होता है, मैंने कल बताया नहीं होता है। पहला, बोनस का डिविडेंड की अमाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बोनस अगर देगी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो डिविडेंड पर शेयर कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं आएगा। तो डिविडेंड पर शेयर कम होगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे तो डिविडेंड अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। दूसरा, बोनस शेयर देने के पहले या बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न या परसेंटेज होता है वो बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि बोनस यूनिफॉर्मली सेम रेशियो में सबको दिया जाता है। तो बिफोर या आफ्टर बोनस जो भी आपका शेयर होल्डिंग परसेंटेज था वो बिल्कुल सेम या आइडेंटिकल रहेगा। नंबर थ्री, बोनस का शेयर्स में प्रॉफिट कमाने पर नॉर्मली लंबा चौड़ा कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि बोनस देने के बाद कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो फॉल करेगा इन द सेम रेशियो एज दैट ऑफ बोनस। क्योंकि मार्केट प्राइस फॉल करेगा, आपका कॉस्ट रिमेनिंग हायर अगर मार्केट प्राइस फॉल करेगा, आप बोनस पर तो बोल सकते हो मैंने प्रॉफिट कमाया, बट ओरिजिनल शेयर्स पे आपको नुकसान होगा, तो नेट में आपको कोई लंबा चौड़ा प्रॉफिट या लॉस नहीं होने वाला। नंबर फोर, बोनस का शेयर होल्डर्स फंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक साइड रिजर्व गिरता है तो दूसरा साइड शेयर कैपिटल बढ़ता है। ये वाला हम लोग पढ़ा कि बोनस का इन चार चीजों पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये सब एग्जाम में एनालिटिकल एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज नहीं देते, वो घुमा घुमा के पूछते हैं कि बताओ बोनस क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें आपको उनमें दिखाई देगी। डन। फिर हम लोग स्टार्ट किए सेक्शन 63 का कॉन्सेप्ट। सेक्शन 63 सबसे पहले बोला कि कोई कंपनी अगर फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू करना चाहता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो वो कहां कहां से या किस किस रिजर्व से बोनस शेयर इश्यू कर सकता है। सेक्शन 63 में तीन रिजर्व्स का जिक्र किया हुआ है, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या क्या रिजर्व, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और वहां पर बोला गया रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज करके, कौन सा रिजर्व यूज करके, रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज करके बोनस देना अलाउड नहीं है।
उसके बाद हमने सेबी के रेगुलेशंस पढ़े, तो सेबी रेगुलेशन ने बोला आप कोई भी रिजर्व यूज करके दो, बस ध्यान रखना वो प्रॉफिट, वो जो रिजर्व है वो कैश में कंपनी ने रियलाइज किया हो या कैश में कमाया हो, नॉन कैश प्रॉफिट से आपको बोनस इश्यू करना अलाउड नहीं है। तो उसके कारण क्या हुआ, हम लोग जब भी कोई भी रिजर्व लेंगे लाइक कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तभी बोनस के लिए यूज किया जाएगा जब ये कैश में आया हुआ हो। अगर कोई नॉन कैश पोर्शन है तो हम लोग उसको बोनस के लिए इग्नोर कर देंगे। ये हम लोग बात पढ़े। उसके बाद मैंने आपको दो वर्ड फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में डिस्टिंक्शन समझाया। फ्री रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है विच इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, यानी उसको आपको जिस काम में यूज करना उस काम में यूज करो, उसका कोई स्पेसिफिक कंडीशन एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिनका एक्ट में स्पेसिफाइड यूसेज लिखा हुआ है। स्पेसिफाइड यूसेज जब लिखा हुआ रहेगा तो आप उन्हीं चीजों के लिए यूज कर सकते हो जो यूसेज इनका पहले से लिखा हुआ है। स्पेसिफिक रिजर्व के एग्जांपल सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसके पांच यूज होते हैं, बीपी डीबीपी। कैपिटल रिजर्व, इसका एक यूज होता है कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करना। सीआरआर, इसका एक यूज होता है इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। डीआरआर, इसका एक यूज होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और हर काम में इन चीजों को ले, इन चीजों को आप कोई भी काम में तभी यूज कर सकते हो जब एक्ट ने आपको अलाउ किया है कि आप इसमें ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज इनका यूज नहीं हो सकता। फ्री रिजर्व्स ऑन दी अदर हैंड, जब इच्छा जैसे इच्छा वैसे यूज करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको अगर डिविडेंड देने में यूज करना है डिविडेंड, बोनस में यूज करना है बोनस, कोई लॉस राइट ऑफ करना है लॉस राइट ऑफ कर लो, कोई भी काम के लिए आप यूज करना चाहते हो फ्री रिजर्व्स को आप इजीली यूज कर सकते हो। फ्री रिजर्व का एग्जांपल मैंने आपको दिया था जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, या ऐसा कोई रिजर्व जिसका पर्पस खत्म हो चुका है। था स्पेसिफिक रिजर्व, बट क्योंकि अब वो पर्पस खत्म हो गया तो अब हम उसको कोई भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। डन। आप कभी भी बोनस इशू में रिजर्व्स यूज करोगे, ऑलवेज रिमेंबर पहले कौन सा रिजर्व यूज होगा, स्पेसिफिक रिजर्व, और उसके बाद कौन सा रिजर्व होगा, फ्री रिजर्व। क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व का लिमिटेड यूज है, पहले उसको यूज करो, फिर अगर कुछ और चाहिए तो फ्री रिजर्व से निकालो, नहीं तो फ्री रिजर्व को रहने दो, वो फ्यूचर में कोई भी काम में आ सकता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा सेक्शन 63 में कि जब भी आप बोनस इश्यू करोगे, बोनस उन्हीं शेयर्स पे इश्यू हो सकता है जो ऑलरेडी फुल्ली पेड है। अगर आपका शेयर्स पार्टली पेड है तो पहले कॉल करा के उसको फुल्ली पेड कराओ, तभी बोनस इश्यू किया जा सकता है, अदरवाइज बोनस इश्यू अलाउड नहीं है। ये सेक्शन 63 के दो कंडीशंस पढ़ने के बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज में आए। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहला दो एंट्री सीखा, फाइनल कॉल करके शेयर पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना। ये तभी करना जब क्वेश्चन में शेयर्स ऑलरेडी पार्टली पेड हो। हम लोग दो एंट्री सीखे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। मैंने कल एक बात बोली थी कि ये जो आप पेमेंट करवा रहे हो फाइनल कॉल का, बहुत बार कंपनी बोलती है कि आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, हम खुद फुल्ली पेड कर देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बोनस कॉल। वो आज पढ़ेंगे उसका अकाउंटिंग क्या होता है, बट ये भी आ सकता है कभी भी, आप इसको ध्यान में रखना। दूसरा, उसके बाद आप बोनस सबसे पहले डिक्लेयर करते हो। जैसे ही बोनस डिक्लेयर करते हो, आपको रिजर्व से सेट असाइड कर लेना है जितना आपको बोनस इश्यू करना है। रिजर्व्स कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले सीआरआर, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर फ्री रिजर्व। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। और जब आप ये बोनस शेयर इश्यू करोगे तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपका बोनस शेयर अपने शेयर होल्डर्स को इश्यू कर देना। डन। हम लोग लास्ट क्लास इतना सा ही बात पढ़े थे, उसके बाद हमने सम्स बनाया था, आज हम लोग आगे बढ़े। चलिए, पहले एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर टू, होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 7। लेट अस डिस्कस दैट होमवर्क फर्स्ट। मैं लिखने वाला तो नहीं हूं, मैं सिर्फ बोलूंगा और आपको फटाफट चेक करना है। किसी ने नहीं किया तो मैंने आपको पहले भी बताया, इस उम्र में आपको डाटा नहीं जा सकता, धीरे धीरे सीख जाओगे। आगे, फॉलोइंग आइटम्स अपियर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। 4,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 4.5 लाख। कंपनी में 4,500 शेयर है ₹100 वाले। एक बार अमाउंट देख के बताओ, पेडअप भी कितना हो गया,
फुल्ली पेड अप हो गया, क्योंकि 4,500 इंटू 100 करोगे तो ही 4,50,000 आएगा, तो फुल्ली पेड अप शेयर है। सिक्योरिटीज प्रीमियम सीआरआर जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 share for every 3 share। 1 share for every 3 share को रेशियो में बोले तो 1:3। अब बता, पहले 4,500 शेयर था, 4,500, उसमें 1:3 बोनस है, तो 1,500 बोनस शेयर हम लोग को इश्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल था, 4,500 इंटू 1/3 कितना शेयर इश्यू करना पड़ेगा, 1,500। हर शेयर 100 रुपए का है तो टोटल बोनस कितना हो जाएगा, 1,50,000 का। तो मेरा बोनस हो गया 1,50,000 का। अब ये 1,50,000 कहां कहां से देंगे, सबसे पहले सीआरआर कितना, 70,000। फिर हम लोग यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000, कितना हो गया 1:10, और 40 चाहिए, जनरल रिजर्व से 40,000 निकाल लेंगे। जर्नल एंट्री सुनो, सीआरआर अकाउंट डेबिट 70,000, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,50,000, फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 150। डन है बेसिक। एग्जाम में क्या टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट, बोलेगा बताओ बोनस के बाद कैपिटल कितना हो जाएगा। तो पहले 4,500 शेयर था, फिर 1,500 शेयर्स और आया, तो टोटल शेयर्स 6,000, 6,000 इंटू 100 इज 6 लाख। पूछेगा बोनस के बाद जनरल रिजर्व कितना बचेगा, तो 1,05,000 था, 40,000 यूज कर लिया, कितना बचेगा 65,000। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। डन है क्या बात। तो बेसिक थोड़ा सा इंस्टिंक्ट रखिए, अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। यही क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में घुमा घुमा के आपको पूछा जाएगा। डन, ये क्वेश्चन टू हमारा होमवर्क था, ये हो गया डिस्कस। 1, 2 मैंने 3 भी करवा दिया था ना क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन्स टू ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012। ब्राइट लिमिटेड की बैलेंस शीट से आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है। सबसे पहले शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल, एक बात बताओ ना, ऑथराइज्ड कैपिटल अकाउंटिंग वाइज कोई काम का नहीं होता। अकाउंटिंग में कौन सा कैपिटल रेलिवेंट होता है, पेड अप शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। नीचे आपको इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिया हुआ है, 10 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 10,000। ये 10 करोड़ 10 ₹10,000 क्यों है, क्योंकि ऊपर क्या है, लैक्स। ये कन्वर्जन आप समझते हो, 1 करोड़ इक्वल टू 100 लाख। तो अगर 10 करोड़ इंटू 10, तो मैं बोलूं 100 करोड़। अब 100 करोड़ को अगर लाख में कन्वर्ट करना है तो 100 इंटू 100 कितना होता है, 10,000 होता है, वो आपको 10,000 वैसे दिया हुआ है। तो ये जितने भी फिगर्स दिए हुए, ये किस में दिए हुए, लैक्स में। सुन कुछ बोल रहा हूं, दोनों ही जन सीएस और सीएम है दोनों के लिए, ध्यान से। कभी भी आपको यूनिट्स एग्जाम में डिफाइन देना क्वेश्चन में, यूनिट्स आप हमेशा वही यूनिट यूज करो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप अगर सारा जीरोस लिख के चलोगे ना, तो नंबर 1 गलती होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि एक भी छूट जाएगा वो गलती कर देगा। नंबर 2 आपको ना हर यूनिट को बार बार चेंज करना पड़ेगा, जो शायद जिस चेंज करते करते में आप गलती कर दो। तो हमेशा क्वेश्चन जिस यूनिट पे बना हुआ है, आपका आंसर भी उसी यूनिट पे होना चाहिए, उससे बेटर अल्टरनेटिव कुछ नहीं होता। अब इस लाख को करोड़ में कन्वर्ट करने से अच्छा मैं इस करोड़ को लाख में कन्वर्ट कर दूं। अगर बोल रहे 10 करोड़ शेयर्स, 10 करोड़ शेयर्स अगर मैं लाख में कन्वर्ट करना चाहूं, तो 10 इंटू 100, क्योंकि 1 करोड़ इक्वल टू 100 लाख, तो 10 करोड़ इक्वल टू 10 इंटू 100 लाख, तो मेरे को 10 इंटू 100 बताओ कितना होता है, 1,000 लाख। अब इसको पढ़ के देखो तो 1,000 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो 1,000 इंटू 10 कितना होता है, 10,000 लाख। डन है क्या। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में यूनिट प्री डिफाइंड रहे, आपको कोई अलग यूनिट पहले से दिया हुआ रहे, आप भी जब क्वेश्चन बनाओगे हमेशा किस यूनिट में बनाओगे, उसी यूनिट में बनाना और किसी यूनिट में मत बनाना। मार्क्स क्यों कटता है, आप गलती कर देते हो वहां पर, कन्वर्जन में 0 लगाना भूल गए या गलत यूनिट से कन्वर्ट कर दिया, तो वो सारा गलत हो जाता है। डन, आगे चलते हैं। हम लोग सारा काम लैक्स में करेंगे। अब
2 करोड़ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच 2000 लाख्स, 2 करोड़ को अगर लाख्स में कन्वर्ट करूं तो 200 लाख्स लिखू, तो 200 × 10 कितना होता है 2000। आगे चलते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल अलग से दिया हुआ है, 10 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप, कुछ बोलिए, ₹10 का शेयर ₹8 पेड अप है, तो अभी बोनस दे सकेंगे कि नहीं, पहले ₹2 बंगवाना पड़ेगा, वो फुल्ली पेड होगा तभी बोनस देंगे, ठीक है। 2 करोड़ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, डन। रिजर्व में CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ PL अकाउंट, ये चारों रिजर्व ऐसे हैं जिनको हम आराम से यूज कर सकते हैं बोनस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, ऑन 2 अप्रैल 2012 द कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर एट ₹2 पर शेयर। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो खुद ही बोल दे कि कर लेना कॉल। तो ₹8 के शेयर पे ₹2 अगर ऑल कॉल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10, यानी फुल्ली पेड हो जाएगा। आगे, द इंटायर मनी वॉज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ऑन 1 जून द कंपनी डिसाइडेड टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, रेशियो में बोल 2:5, हम लोग को 2:5 रेशियो में बोनस शेयर इश्यू करना है। क्वेश्चन बोल रहा है पास जर्नल एंट्री और आप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस का नोट दो बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर दी बोनस इश्यू। नोट्स देने का मतलब आफ्टर बोनस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स कितना कितना रहेगा वो आप बता के देना, अपने को वो बेसिक बताना पड़ेगा, डन। चलिए, वर्किंग नोट, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मेरे को लैक्स में चाहिए, हां, टू बी इश्यूड, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इश्यूड, अभी बताओ कितने शेयर्स है, अभी इक्विटी 1000 लैक्स, 10 करोड़ नहीं बोल के 1000 लैक्स बोलेंगे हम लोग, इनटू कितना बोनस है 2/5, तो बताओ कितना बोनस, 400 लाख शेयर्स का बोनस इश्यू होगा, 400 लाख शेयर्स का बोनस इश्यू होगा। तो अमाउंट ऑफ बोनस इश्यू बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ बोनस इश्यू बोलो 400 लाख इंटू ₹10, 4000 लाख, 400 लाख इंटू ₹10, 4000 लाख, जर्नल एंट्री करना शुरू करें। चलिए, कंपनी का नाम ब्राइट लिमिटेड जर्नल्स, कॉल किया 2 अप्रैल को, पहले कॉल करने का जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, चलिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरे को लैक्स में चाहिए, हाँ, फिगर रुपीस इन लैक्स, 1000 लाख शेयर्स है, कितना रुपया करके, 2 रुपया करके, तो 2000 लाख, 1000 लाख शेयर्स है, 2 रुपया करके मंगवाना है, तो 2000 लाख विल बी दी कॉल अमाउंट। कॉल करने के बाद बताओ क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना रुपया, वही 2000 लाख, 4000 का हमको बोनस इश्यू करना है। बोनस इश्यू हमने डिक्लेयर किया 1 जून 2012, क्या क्या रिजर्व से पैसा निकालेंगे बताइएगा। सबसे पहले CRR कितना है हमारे पास, 1485, इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 2000, अब एक बार कैलकुलेटर से पूछ और कितना चाहिए, 515, कहां से लेंगे, जनरल रिजर्व से, हमारे पास जनरल रिजर्व में है, उससे हम लोग को निकालना है 515। सर 515 कैसे आया, 4000 का बोनस था,
3485 ऊपर से आ चुका है, तो अब बैलेंस और कितना चाहिए? 515. टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, 4000 का बोनस. पहले सीआरआर यूज किया, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया, फिर जनरल रिजर्व यूज किया. अगर जनरल रिजर्व भी कम पड़ जाता तो पीएल में चले जाते. बोलना मत पीएल कम पड़ जाए तो, फिर मैं बोलूंगा कंपनी उतना बोनस इश्यू कर ही, क्योंकि बोनस इश्यू उतना ही अलाउड है जितना आपके पास रिजर्व्स है. जब रिजर्व ही नहीं है तो बोनस करना अलाउड नहीं है. चलिए बोनस इश्यू कीजिए. बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, बोल क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल. बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 लाख. यह हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया. आपको क्या क्या बताना है, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं. नंबर वन, इक्विटी शेयर कैपिटल बोनस के बाद नंबर्स बताना. हां ध्यान से, पहले 1000 था नंबर्स, पहले नंबर्स पे चलते हैं. पहले कितना था? 1400 और दिया, 1400, वेरी गुड. 1400 लाख शेयर्स, 1400 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना हो गया ये? 14000. प्रेफरेंस शेयर्स तो देख सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. मेरे को बता जनरल रिजर्व का क्या होगा? जनरल रिजर्व कैसे निकाला? 1040 था, 515 यूज कर लिया, तो कितना बचेगा? 525. सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम उड़ जाएगा, पीएल जितना था उतना ही बचेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो जहां जहां चेंजेस होगा वो मैंने आपको बता दिया. ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में कम कर पाएंगे कि शेयर कैपिटल कितना होगा वगैरह, ये आपको सीखना है बस. एग्जाम में ज्यादातर यही सब पूछेगा एमसीक्यू में, प्रैक्टिकल बेसिस पे. क्वेश्चन 7 क्लियर है? नहीं, 7 नहीं था ये क्वेश्चन, 5 था. ये क्लियर है? ओके, क्वेश्चन 5 पेज 9 क्लियर. क्वेश्चन 6 आपका होमवर्क रहेगा, आप लिख सकते हो सेम एज क्वेश्चन 5. 6 आपका होमवर्क रहेगा. अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. ये सब चैप्टर एग्जाम में फ्री के मार्क्स वाले चैप्टर है, जहां पर आप लूज नहीं कर सकते हो. तो ये सारा चैप्टर को इतना स्ट्रांग रखिए कि आपका यहां पर सारा मार्क्स आप उठाते जाए, क्योंकि मार्क्स खोने का बहुत जगह है, पाने का लिमिटेड है. तो ये सब चैप्टर वो चैप्टर है जहां पे आप मार्क्स पाएंगे. शेयर कैपिटल का पूरा पूरा 15 से 20 मार्क्स, बच्चा अगर चाहे और प्रैक्टिस करे तो 15 से 20 में जितना है पूरा आ सकता है. इश्यू ऑफ शेयर्स भी कोई चैप्टर टफ नहीं था, एकदम बेसिक बचपन वाला पढ़ा हुआ चैप्टर था ये भी. अब आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे 3-4, वो सारे इजी चैप्टर्स है. इनमें ट्राई करो कॉन्सेप्ट अच्छा रखने का, मार्क्स भी आएगा और आगे बहुत फायदा देगा सिलेबस में. जो बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे उनमें आप इजीली निकल जाओगे. क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं. फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मेजर्स याहू लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2011. सबसे ऊपर दिया हुआ ऑथराइज शेयर कैपिटल, बोल कोई काम का है कि नहीं है? नहीं है. इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 40,000, प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड, 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच ऑफ विच 7.5 पेड अप. फुल्ली पेड की पार्टली पेड, अब पार्टली को फुल्ली बनाना है तो कॉल करना पड़ेगा, करेंगे. रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और पीएल, चारों रिजर्व बोनस के लिए यूज हो सकता है. बस यही ध्यान रखना है कि कोई नॉन कैश एलिमेंट ना हो. आगे, ऑन 1 अप्रैल 2011 द कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2.5 रुपया ईच ऑन 1,80,000 इक्विटी शेयर. द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाई 30 अप्रैल. आपको बता दिया कि कंपनी ने वो जो फुल्ली पार्टली पेड था उसको फुल्ली पेड बना लिया.
Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by issuing bonus share at the rate of 1 share for every 3 shares held. 1:3. एक बार ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताओ, 180 पर 1:3 दोगे तो 60,000 शेयर. 60,000 शेयर है, अमाउंट वाइज 6 लाख रुपया बोल सकते हैं. 60,000 शेयर्स इश्यू करना है तो अमाउंट वाइज 6 लाख का बोनस होगा. आगे चलते हैं. सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ ₹50,000 इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ ₹20,000 फॉर शेयर्स इश्यूड टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ स्पेशल मशीनरी. ध्यान से, 50,000 में ये 20,000 जो है वो नॉन कैश है, तो आप यूज कितना कर पाएंगे? 30,000. उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते. कैपिटल रिजर्व इंक्लूड 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. कैपिटल रिजर्व जो ऊपर दिया हुआ है 1,50,000 का, उसमें 60,000 प्लांट एंड मशीनरी को जब एक्सचेंज किए थे तब आया हुआ प्रॉफिट है. एक बात बताओ, एक्सचेंज मतलब क्या होता है? पुराना प्लांट देके नया प्लांट खरीदना. तो यहां पर कैश आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. बेचते तो कैश आता, अगर एक्सचेंज करके ला रहे हैं तो वहां पर कैश नहीं आएगा. अगर मैं बोल रहा हूं मैंने प्रॉफिट कमाया है बट कैश नहीं आया, तो ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है? नॉन कैश. इसको यूज करना अलाउड नहीं है. तो ये 20,000 और ये 60,000 दोनों ही क्या है? नॉन कैश पोर्शन. ध्यान से, लास्ट क्लास एक क्वेश्चन कराया था जहां कैपिटल रिजर्व के ब्रैकेट में लिखा था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी. जब वर्ड सेल ऑफ मशीनरी लिखेगा मतलब बेचा है तो पैसा आएगा. बट जब एक्सचेंज ऑफ मशीनरी लिख रहा है मतलब एक मशीनरी दिया और नया मशीनरी खरीदा, उस केस में आपको कोई अलग से कैश नहीं आएगा. तो द वर्ड एक्सचेंज मीन्स अ मशीनरी गिवन फॉर दी अदर. उस केस में क्योंकि कोई कैश अलग से नहीं आएगा, इसको हम लोग नॉन कैश प्रॉफिट पकड़ेंगे. क्या पकड़ेंगे? नॉन कैश. तो ये दोनों पोर्शन हम यूज नहीं कर सकते. इसको छोड़ के जो बैलेंस बचेगा वो यूज करना अलाउड है. आगे आपको बोला जर्नल एंट्रीज बनाओ और प्रिपेयर दी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इश्यू. बोनस इश्यू के बाद क्या होगा वो आपको समझाना है. बैलेंस शीट पर इफेक्ट. डन. चलिए वर्किंग नोट 1 करें. सबसे पहले नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इश्यूड. बोलो पहले कितना इक्विटी शेयर्स है? 180. कंपनी कितना बोनस देना चाहती है? 1/3. तो कितना शेयर्स? 60,000. वेरी गुड. अमाउंट ऑफ बोनस इश्यू. अमाउंट ऑफ बोनस इश्यू, एक एक शेयर 10 वाला है तो 60,000 शेयर का टोटल अमाउंट 6 लाख. 60,000 शेयर का टोटल अमाउंट 6 लाख. जर्नल्स आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा. याहू लिमिटेड जर्नल्स. दिवाली नेक्स्ट संडे है ना, थर्सडे क्लास होगा.
फिर सीधा क्लास नेक्स्ट थर्सडे होगा, सैटरडे वाला क्लास ऑफ रहेगा आपके लिए। डन है क्या? एक क्लास ऑफ देंगे कंपनी अकाउंट्स के लिए, सीएमए वाला ग्रुप वन अलग बात करेंगे, कंपनी अकाउंट्स वाला थर्सडे क्लास रहेगा, उसके बाद आपका ऑफ हो जाएगा। डन है क्या बात? सैटरडे ऑफ रहेगा, फिर चालू करेंगे सीधा नेक्स्ट थर्सडे को। डन? आंटी लोग बातचीत बंद करें। पहला इक्विटी शेयर कॉल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,80,000 इंटू 2.5, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल 450। ये बात सिंपल है। मेरे को 6,00,000 रिजर्व से निकालना है। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व में 90,000 हम निकाल सकते हैं क्योंकि 60 तो नॉन कैश है। सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम 30,000 यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से 240, फिर मैंने देखा बैलेंस बच रहा है 240 और चाहिए, तो बैलेंस 240 मैंने पीएल से निकाल लिया, और टू बोनस टू शेयर होल्डर 6,00,000 रुपए, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,00,000 रुपए। यहां तक बात ठीक है? चलिए कुछ काम आपको करके देना। सबसे पहले आपको बताना है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा बोनस के बाद, आफ्टर बोनस? वेरी गुड, 2,40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच कितना हो जाएगा? 24 लाख। देखो एक बार ऑथराइज कैपिटल चेक करो, पेड अप कैपिटल हो गया 24 लाख, जबकि ऑथराइज्ड कैपिटल मेरा सिर्फ है 20 लाख रुपए। तो हम लोग कल एक चीज सीखे थे कि बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर लिया होगा, क्या चीज के लिए? ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कराने का। नीचे लिखो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल शैल बी इंक्रीज्ड बाय कितना रुपया? 4 लाख। 4 लाख से ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करवा लिया बोर्ड, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। नहीं कराएगा तो फिर ये काम करना पॉसिबल नहीं है। जब ऑथराइज कैपिटल ही नहीं है आप शेयर इश्यू कर ही नहीं सकते। नंबर टू, मेरे को बताओ जनरल रिजर्व में बैलेंस क्या बचेगा? 0। कैपिटल रिजर्व में बैलेंस क्या बचेगा?
सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस क्या बचेगा, पीएल में बैलेंस क्या बचेगा, ये आपको करके दिखाना है। कैपिटल रिजर्व पूरा यूज नहीं हुआ था, कितना बाकी है 60,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पूरा यूज नहीं हुआ था 20,000। और पीएल बताइए 330 माइनस 240 कितना बचेगा 90,000। तो अगर आपका पेड अप ऑथराइज को एक्सीड कर रहा है तो सबसे पहले ऑथराइज बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो इश्यू करना अलाउड ही नहीं है। कभी भी ऐसे मत बोल दीजिएगा सम को देख के कि सम गलत है इसीलिए हमको पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। तुमको नीचे जाके लिखना होगा कि अज्यूम्ड दैट द कंपनी हैज पास नेसेसरी रेजोल्यूशन टू इंक्रीज द ऑथराइज्ड कैपिटल बाय ₹4,00,000। ये तुमको बताना पड़ेगा उनको। डन। पहले बताइए यहां तक का सारा बात आपको क्लियर है? एकदम सिंपल बात, एकदम इजी। सेक्शन 63 ने जो बोला हमने उसको फॉलो करके क्वेश्चन कंप्लीट किया। डन। अब एक सेबी रेगुलेशन और है छोटा सा जो आपके साथ डिस्कस करना है। ये सेबी रेगुलेशन क्या चीज पर है ध्यान से थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है नॉर्मल से। डन। सम्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सम में इसका इफेक्ट बहुत ही चिंदी टाइप का है, बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सेबी रेगुलेशंस ने बोला अगर कंपनी के पास बोनस शेयर इश्यू करते टाइम, बोनस शेयर इश्यू करते टाइम कुछ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है। क्या है कन्वर्टिबल डिबेंचर? पहले एक बात बताओ, डिबेंचर मतलब एक टाइप का सिक्योरिटी जिसके अगेंस्ट कंपनी ने लोन ले रखा है। इट इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट जिससे पैसा लेती है कंपनी लोगों से, और वो किस नेचर का पैसा होता है? लोन के नेचर का पैसा होता है। कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है रे? वेरी विच कैन बी नहीं बोल के मैं ऐसा बोलता हूं, विच विल बी कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर इन फ्यूचर। ऐसा डिबेंचर जिसका फाइनल जो पेमेंट होगा वो कैश में नहीं होगा, वो इक्विटी शेयर इश्यू करके हम लोग पेमेंट करेंगे। अब देख क्या बोला, अगर बोनस इश्यू करते टाइम आपके कंपनी में कुछ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है तो आपको ना इन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के लिए भी सेम रेशियो में जो इक्विटी को बोनस दिया उतना बोनस शेयर्स आपको सेट असाइड करके रख लेना चाहिए। और ये बोनस जो आपने सेट असाइड किया है ये उनको इश्यू करना पड़ेगा जब वो बोनस, जब वो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? इक्विटी शेयर्स में। क्या बोला एक बार फिर से? बोला बोनस देने के टाइम अगर आपके कंपनी में कोई आउटस्टैंडिंग कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है जो फ्यूचर में जाके किसमें कन्वर्ट होने वाले? इक्विटी में। आपको उन डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी सेम रेशियो में बोनस शेयर्स सेट असाइड कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में जब वो कन्वर्ट हो आप उनको ये बोनस शेयर इश्यू कर सके। ऐसा सेबी रेगुलेशन ने करने बोला। मतलब इक्विटी को तो बोनस देना ही है, डिबेंचर होल्डर के लिए भी बोनस अलग करके रखना है, अभी नहीं देना है, अभी अलग करके रखना है। जिस दिन वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे वो मेन इक्विटी शेयर्स के साथ साथ बोनस शेयर्स भी आपको पकड़ाना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया गया, मान लो कंपनी ने पहले डिबेंचर होल्डर को बोल रखा था हम लोग शेयर्स कन्वर्ट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 5 शेयर्स फॉर एवरी 1 डिबेंचर। कितना शेयर्स? 5 शेयर हर डिबेंचर के लिए देंगे। जैसे ही आपको पता है बोनस शेयर्स इश्यू होता है मार्केट में शेयर का दाम क्या हो जाता है? गिर जाता है। अगर मार्केट में शेयर का दाम गिर जाता है तो जो उनको 5 शेयर मिलेगा उनकी वैल्यू कम हो गई, हाँ या ना? अगर उनको भी बोनस नहीं देंगे तो उनके हाथ में नुकसान हो जाएगा फालतू का, विदाउट डूइंग एनी, उन्होंने कोई गलती नहीं की तो भी उनका वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि मार्केट में इक्विटी शेयर्स का वैल्यू गिर चुका है। इसीलिए सेबी ने बोला कि उन 5 इक्विटी शेयर के साथ साथ जो बोनस का रेशियो आप इक्विटी को दे रहे हो उतना ही बोनस शेयर्स आप डिबेंचर होल्डर को भी देना ताकि मार्केट प्राइस अगर गिर भी जाए तो उनको उससे कोई नुकसान ना हो। इसीलिए सेबी ने बोला इन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के लिए भी आपको बोनस शेयर्स का सेट असाइड या प्रावधान रखना पड़ेगा, और ये बोनस शेयर आज इश्यू नहीं करना है, जिस दिन वो कन्वर्ट हो गए इनटू इक्विटी शेयर उनको ये बोनस शेयर आप इश्यू कर देना। अब भैया अगर आज इश्यू नहीं करना है तो अकाउंटिंग में क्या करना है? आंसर इज जर्नल्स में कुछ नहीं करना है, जर्नल में आपको माथा ही नहीं लगाना है, जर्नल जैसा अभी कर रहे थे वही करना है। डिबेंचर्स के लिए कोई अलग से जर्नल नहीं होगा,
बट जब आप अपना ऑथराइज्ड कैपिटल चेक करते हो, रिजर्व्स वगैरह चेक करते हो, चेक करना उनको देने के लिए भी हमारे लिए वो ऑथराइज्ड कैपिटल और रिजर्व्स एडिक्वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी ने सारा का सारा रिजर्व्स इक्विटी शेयर को ही बोनस देने के लिए खाली कर दिया। अगर रिजर्व्स ही नहीं रहेगा तो फ्यूचर में हम चाह के भी बोनस शेयर इश्यू नहीं कर पाएंगे। तो एक बार चेक कर लेना कंपनी के पास एडिक्वेट रिजर्व्स है या नहीं, एडिक्वेट शेयर कैपिटल है या नहीं टू इश्यू दी बोनस शेयर्स टू डिबेंचर होल्डर्स इन फ्यूचर। नहीं है तो नोट में तुम बता देना कितना से तुमको ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना होगा सो दैट फ्यूचर में बोनस शेयर्स कैन बी इश्यू टू दी डिबेंचर होल्डर्स। तो आज के दिन आपको सिर्फ क्या करना है, कैपिटल और रिजर्व्स का लिमिट चेक करना है कि भाई वो बोनस देने के लिए एडिक्वेट है या नहीं है। आज के दिन आपको बोनस शेयर इश्यू करने का अकाउंटिंग नहीं करना है, इक्विटी के लिए करो, डिबेंचर होल्डर्स के लिए बोनस इश्यू का अकाउंटिंग आज नहीं होगा क्योंकि बोनस इश्यू कब होगा, एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, आज बोनस इश्यू ही नहीं होगा। पहले बोलिए सेबी का गाइडलाइन समझ में आया, क्या बोला वो, क्यों बोला ये बात भी समझ में आया, क्योंकि बोनस के बाद शेयर का मार्केट प्राइस गिरेगा। अगर उन लोगों को हमने एक फिक्स रेशियो बता रखा है शेयर देने का, मार्केट प्राइस गिरने से उनके हाथ में नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इन ऑर्डर सो दैट उनके हाथ में कोई लॉस ना हो, हमने उनको बोला कि मेन शेयर के साथ साथ बोनस शेयर भी दे देना। तो अगर मार्केट प्राइस गिरा भी है तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। डन है बात, लिखो पहले पॉइंट नंबर हम लोग का चलेगा। हम लोग जर्नल लिखे थे लास्ट पॉइंट 7, पॉइंट नंबर 8। ये जो पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं थ्योरिटिकल एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली ना सीएस में पूछता है ना सीएमए में। क्वेश्चन नंबर 8 लिखना, सॉरी पॉइंट नंबर 8 लिखो, बोनस शेयर्स To be reserved for holders of convertible debentures. Bonus shares reserved for holders of convertible debentures. ये कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेबी रेगुलेशंस में। तो ये सिर्फ किसको फॉलो करना है, सेबी किसको फॉलो करना होता है, लिस्टेड कंपनीज को। सारी कंपनीज को ये नहीं फॉलो करना, सिर्फ लिस्टेड को फॉलो करना है। लिखते हैं, इफ एट द टाइम ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स, इफ एट द टाइम ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स कॉमा द कंपनी हैज सम आउटस्टैंडिंग कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स then it shall reserve bonus shares for the holders of such debentures it shall reserve bonus shares for the holder of such debentures in the same ratio as that of equity shareholders, in the same ratio as that of equity shareholders, and such shares shall be issued, bolo kab, shall be issued to debenture holders at the time of, बोलो कब, कन्वर्जन। सच शेयर्स शैल बी इशूड टू डिबेंचर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। ये है सेबी रेगुलेशन। थ्योरिटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
एमसीक्यूज आएगा थ्योरी। नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, सो वाइल इश्यूइंग बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स द कंपनी शैल कीप एडिक्वेट ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी शैल कीप एडिक्वेट ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स सो दैट इट कैन इश्यू बोनस शेयर्स इन फ्यूचर। इट कैन इश्यू बोनस शेयर्स इन फ्यूचर। तो आपको सिर्फ यही चीज चेक करना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल रिजर्व्स ये सारा लिमिट्स में है कि नहीं, कि हम फ्यूचर में बोनस शेयर इश्यू कर पाए। अगर नहीं है तो कंपनी को बोलना पड़ेगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाइए। रिजर्व्स नहीं है तो कंपनी को बोलेंगे इक्विटी को बोनस कम दीजिए। अगर आप सारा बोनस इक्विटी को दे देंगे तो फिर फ्यूचर में रिजर्व्स बचेगा नहीं, रिजर्व नहीं रहेगा तो हम डिबेंचर होल्डर को बोनस नहीं दे पाएंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वाले डिबेंचर होल्डर कन्वर्टिबल है। कन्वर्टिबल मतलब ऐसे डिबेंचर होल्डर जिसको फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स मिलेगा। तुम अगर बोनस इश्यू करोगे तो मार्केट में इक्विटी का दाम कम हो जाएगा, तो ये डिबेंचर होल्डर को जब शेयर मिलेगा इनके हाथ में तो नुकसान हो जाएगा। ताकि इनको ये फालतू का नुकसान नहीं हो, इसीलिए उनको मेन शेयर के साथ साथ बोनस भी दे दो, तो अगर दाम गिरेगा भी तो इनको नुकसान नहीं होगा। डन। पहले बताइए दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट। देखिए ये पॉइंट एक क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन नंबर फोर। जर्नल एंट्री वाइज मैंने क्या बोला? कुछ करने का जरूरत नहीं है, खाली अपने को नोट में बताना है ऑथराइज शेयर कैपिटल वगैरह है या नहीं है आपके पास। क्वेश्चन नंबर फोर बोनस शेयर्स का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। आपको कंपनी की बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। सबसे ऊपर ऑथराइज्ड कैपिटल, अकाउंटिंग वाइज कोई काम का नहीं है, बट आपको चेक करना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल लिमिट में है या नहीं। 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 8,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप, पार्टली पेड है तो पहले क्या करना होगा? फुल्ली पेड करना होगा। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, बोलो रीवैल्यूएशन के लिए कुछ सौतेला रिजर्व है, ये काम का नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, कलेक्टेड इन कैश है तो यूज हो सकता है, नॉन कैश होने से यूज नहीं होता है। अगर कैश में कलेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लोन में देखो आपको क्या दिख रहा है, डिबेंचर्स। आगे चलते हैं। ऑन 1st April 2015 द कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर होल्डर, द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाई 28th April। कंपनी ने फुल्ली पेड कर दिया, कॉल कर लिया, हम लोग को बस उसका अकाउंटिंग करना है। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स एट 1 share for every 4 shares held। एक बात बताओ, ऊपर इक्विटी शेयर्स कितना है 90,000, 90,000 को अगर 1:4 बोनस दोगे तो इक्विटी को कितना बोनस देना होगा? 90,000 पे 1/4 22,500 शेयर्स मींस 2,25,000 का बोनस होगा। आगे चलते हैं। 20% ऑफ 12% डिबेंचर्स आर कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर। ध्यान से, सारा डिबेंचर कन्वर्टिबल नहीं है, कितना कन्वर्टिबल है 20%। सुन, हम लोग जो वो बोनस शेयर इश्यू करने का बात किए वो किसके लिए किए? कन्वर्टिबल के लिए। सारा डिबेंचर होल्डर को नहीं देना, उन्हीं को देना है जिनको पेमेंट किसमें होने वाला है, कन्वर्जन करके होने वाला है। एक बात बता, 5,000 डिबेंचर मेरे को यहां दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है? 5,000 × 100 रुपया 5,00,000 हो जाएगा। 5,000 में 20% कन्वर्टिबल है, मतलब 1,000 डिबेंचर कन्वर्टिबल है,
1000 डिबेंचर कन्वर्टिबल है। आगे इंटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड ऑन 1 जून 2015। देखना 100 रुपए का डिबेंचर है, नंबर ऑफ शेयर्स बताया नहीं है कितना कन्वर्ट होगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं हर 100 रुपए वाले डिबेंचर को अगर 10 रुपए वाला इक्विटी शेयर देना है तो कितना शेयर देना होगा, 10 शेयर देना होगा। अब ध्यान से, 100 रुपए वाले डिबेंचर को अगर इक्विटी शेयर देना है 10 रुपए वाला को, तो हर डिबेंचर होल्डर को 10 शेयर मिलना चाहिए। ये बात सही है? तो 1000 डिबेंचर पे जो कन्वर्ट होने वाला है उनको कितना शेयर्स मिलना चाहिए, 10000 शेयर। अगर 10000 शेयर्स मिलना चाहिए तो उसके साथ साथ बोनस भी मिलना चाहिए, कौन सा रेशियो में, 1:4। अगर 10000 पे 1:4 बोनस मिलेगा तो कितना बोनस मिलेगा, 2500 शेयर का बोनस मिलेगा। बोनस आज नहीं मिलेगा, बोनस कब मिलेगा, फ्यूचर में। भैया एक बार फिर बोलिए, 5000 में से 20% कन्वर्टिबल है, तो मेरे को बताओ कितने डिबेंचर कन्वर्टिबल है, 1000। डन। 10 रुपए वाला शेयर इश्यू करना है 100 रुपए के डिबेंचर्स के लिए, तो हर डिबेंचर के अगेंस्ट कितना शेयर, 10 शेयर। नॉर्मली जब मार्केट प्राइस नहीं बताया तो मैं फेस वैल्यू पे ही काम करूंगा, अगर मार्केट प्राइस बताता तो मैं मार्केट प्राइस के हिसाब से चलता। मान लो बोलता इक्विटी का मार्केट प्राइस 20 रुपया करके है, तो फिर 100 डिबेंचर्स के पीछे कितना शेयर्स देते, 5 शेयर्स देते, जितना बोलेगा उस हिसाब से करेंगे। हर डिबेंचर होल्डर को 10 शेयर देना है, तो 1000 डिबेंचर होल्डर को कितना शेयर देना है, 10000 शेयर देना है। अब 10000 शेयर तो देना ही है, साथ साथ बोनस भी देना पड़ेगा, किस रेशियो में, सेम रेशियो में, यानी 1:4, तो 2500 बोनस और देना पड़ेगा। मतलब डिबेंचर होल्डर जब फ्यूचर में कन्वर्ट होगा ना, तो उनको 10000 इक्विटी शेयर तो देना ही है, साथ साथ 2500 बोनस शेयर भी देना है, मतलब टोटल कितना देना पड़ेगा, 12500। हमको सिर्फ ये चेक करना है कि मेरे पास इतना एडिक्वेट ऑथराइज्ड कैपिटल है या नहीं है। अगर हुआ तो कोई चिंता नहीं है, नहीं हुआ तो हमको यह भी जुगाड़ना पड़ेगा। आगे कंपनी बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री और इमीडिएटली, मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर करो इमीडिएटली आफ्टर बोनस इश्यू, अज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज पास्ड नेसेसरी रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड। बोल दिया कि ऑथराइज्ड कैपिटल जितना बढ़ाना है ना, कंपनी ने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दिया है, हम लोग सिर्फ बताएंगे बढ़ाना कितने से है। एज अ कंसल्टेंट मैं कंपनी को बताऊंगा कि कितने से बढ़ाना चाहिए, बात बाकी कंपनी को रेजोल्यूशन पास करवाना है, उसने पास करवा भी लिया। डन। चलिए हम लोग पहले वर्किंग नोट्स एंड जर्नल करते हैं। पहले सारा बेसिक काम जैसे करते थे वैसे करते जाओ। वर्किंग नोट 1, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इश्यूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इश्यूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बताओ कितने शेयर्स हैं आज के दिन इक्विटी, 90000, किस रेशियो में देना है, 1:4, तो कितना बोनस शेयर, 22500। मेरे को बता अमाउंट ऑफ बोनस, अमाउंट ऑफ बोनस 2,25,000, 10 रुपया वाला शेयर है 22500 शेयर, तो अमाउंट ऑफ बोनस 2,25,000। पहले इसके हिसाब से जर्नल एंट्री करो ना जैसे करते थे। सॉलिड लिमिटेड जर्नल, जैसे जर्नल्स करते थे वैसे ही करो, डिबेंचर का कोई दिमाग नहीं लगाना है।
हाँ, बोनस सिर्फ इक्विटी वाला, जैसे एंट्री करते थे वैसे का वैसा। चार एंट्री आपको करना है, कॉल का, रिसीव्ड का और बोनस का। ये हो गया आपका चार जर्नल एंट्रीज, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल, फिर रिजर्व से हमने बोनस के लिए सेट असाइड किया, फिर बोनस इश्यू कर दिया। ये सिर्फ किसको इश्यू हो रहा है अभी? इक्विटी को। अभी डिबेंचर होल्डर्स को इश्यू होगा ही नहीं। डन। आगे आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस, ये आप बताएंगे। नब्बे हजार था, 22,500 और आया तो कितना हो गया? 1,12,500। 90,000 शेयर्स पहले था, 22,500 और आया तो 1,12,500, यानी अमाउंट हो गया 11,25,000। 11,25,000 नहीं, हाँ ठीक है, 11,25,000। नंबर टू, पीएल अकाउंट का बैलेंस बताओ कैसे? 2,05,000 माइनस 45 कितना बचेगा? 1,60,000। पहले बताइए ये दो क्वेश्चंस समझ में आए आपको बेसिक? कितना कैपिटल होगा आफ्टर बोनस एंड कितना पीएल बैलेंस होगा आफ्टर बोनस, ये तो बेसिक है। क्वेश्चन नंबर थ्री आप आंसर करोगे, बताना कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू होगा टू डिबेंचर होल्डर्स फॉर कन्वर्जन। फॉर कन्वर्जन बोला, फॉर बोनस नहीं, फॉर कन्वर्जन। बताइए कैसे निकालेंगे? 5,000 डिबेंचर्स है, उसमें कितना कन्वर्ट होगा? 20%। और हर डिबेंचर होल्डर को कितना शेयर्स दोगे? 10 शेयर्स। 10 शेयर कैसे? 100 रुपए का एक डिबेंचर, तो उसके अगेंस्ट अगर शेयर देना है तो कितना इक्विटी शेयर देना होगा? 10 वाला, 10 इक्विटी शेयर देना होगा, तो यहां पे आ जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर्स। ये आपको इश्यू करना पड़ेगा। कब इश्यू करना पड़ेगा? जब कन्वर्जन होगा। तो मेरे को बताओ, बोनस शेयर्स टू बी रिजर्व, बोनस शेयर्स टू बी रिजर्व्ड फॉर डिबेंचर होल्डर्स, कितना बोनस हमको उनके लिए सेट असाइड करना होगा, रिजर्व करना होगा? 10,000 शेयर इंटू 1/4, सेम रेशियो में 2,500 इक्विटी शेयर। अमाउंट वाइज बताएगा? 25,000। अमाउंट कितना होगा? 25,000। एक बार तुम्हारा पीएल बैलेंस देख, कितना है तेरे पास? 1,60,000। और बोनस देना है सिर्फ 25,000 का। दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? दे पाएंगे, मतलब हमारे पास रिजर्व्स का प्रॉब्लम नहीं है। हमको 25,000 का बोनस देना है डिबेंचर होल्डर को, मेरे पास 1,60,000 का पीएल अवेलेबल है, तो मेरे को उनको बोनस देने में कोई चिंता नहीं होगा। रिजर्व तो ठीक है, अब किसको चेक करना होगा? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को। चलिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस कितना होना चाहिए मेरे को बताओ। पेड अप शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस, पेड अप शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस 11,25,000 बोल सकता हूं? ऊपर आपने लिखा है 11,25,000। पेड अप शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस 11,25। एड
conversion of debentures into equity shares, कितना शेयर देना होगा उनको बोनस मिला के बताना, 12,500 इंटू रुपीज 10, 125,000, 12,500 इंटू 10, 125,000, भैया ये 12,500 कैसे आया, 10,000 ये, 2,500 ये, तो 12,500, तो बताओ टोटल 12,50,000 मेरा पेड अप शेयर कैपिटल, मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल होना चाहिए, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस। अब एक बात बता, आज के दिन कितना है, 10,00,000, चाहिए 12,50,000, तो कितने से इंक्रीज कराना है, 2,50,000 से, तो ये लिखो नीचे लास्ट लाइन, पहले इतना लिख लो, हमने बोला आज के दिन पेड अप शेयर कैपिटल हो गया है 11,25, जिस दिन डिवेंचर होल्डर को कन्वर्ट करेंगे मेरे को 12,500 शेयर और इश्यू करना पड़ेगा, मतलब मेरे को 1,25,000 का और कैपिटल चाहिए, तो 11,25 हो चुका है, 125 का और चाहिए, मतलब मेरे को टोटल ऑथराइज कैपिटल चाहिए 12,50,000, जबकि आज के दिन ऑथराइज कैपिटल कितना है, 10,00,000, तो मेरा लास्ट लाइन कंक्लूजन आएगा, मेरा कंक्लूजन आएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल शैल बी इंक्रीज्ड बाय, ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल शैल बी इंक्रीज्ड बाय कितना रुपया बोल, 2,50,000, और बोला कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करवा लिया तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल शैल बी इंक्रीज्ड बाय 2,50,000। तक एग्जाम में ये सब एमसीक्यू में आएगा, कितना पेड अप शेयर कैपिटल होगा बोनस के बाद, कितना रिजर्व्स होगा, डिबेंचर होल्डर को कितना शेयर देना है, कितना बोनस देना है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पे ये 20% क्यों लिए हैं रे, बोला गया है कि 20% कन्वर्टिबल है, बाद बाकी कैश में ही पेमेंट होगा, तो 20% के लिए हमने शेयर्स देखा कितना इश्यू करना पड़ेगा। मैंने जो वो डिबेंचर वाला बात बोला और जो यहां पे किया, दोनों बात समझ में आया, करना क्या है, जर्नल एंट्री वाइज कुछ नहीं करना है, खाली चेक कर लेना रिजर्व्स और ऑथराइज शेयर कैपिटल उतना है या नहीं कि फ्यूचर में डिबेंचर होल्डर को भी बोनस इश्यू किया जा सके, डन, सिर्फ इतना सा आपको चेक करना है। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गया, ये शेयर कैपिटल और पीएल वगैरह कैसे निकालेंगे, ये एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखिएगा, यही पूछेगा, डन। यहां पर हम लोग का इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है, जिसको हम लोग बोनस शेयर्स बोलते हैं। बोनस शेयर्स का सिर्फ लास्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर नाइन, अदर कंडीशंस एज पर सेक्शन 63। मैंने आपको बोला था कि हमारा कुछ और कंडीशंस है जो अकाउंट्स में काम नहीं आएगा, बट जो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखो अदर कंडीशंस एज पर सेक्शन 63। मैं हमेशा बोलूंगा ये कंडीशंस कंपनीज एक्ट वाले बुक से पढ़ना, क्योंकि होता क्या है हर दिन चेंज होता है आजकल, कोई दिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, हर दिन चेंज होता है, तो अगर आपको लगता है आपके एग्जाम से पहले कुछ चेंज हुआ है, आप जो कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे वही आपको आपके अकाउंट्स पेपर में भी आंसर करना है। मैं आपको पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं एक्ट में लिखा क्या है, बट अगर कोई चेंज हो जाए और कंपनीज एक्ट में आपको अमेंडमेंट बताया जाए, आप हमेशा वही फॉलो करना, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट का पोर्शन है, अकाउंटिंग वाला पोर्शन जो करवाना था सब हो गया, ये कंपनीज एक्ट का पोर्शन, थोड़ा सा कंपनीज एक्ट को भी रेफर करना, दो बार एक ही चीज मत पढ़ना, अगर लॉ में पढ़ लिया तो वापस यहां आके पढ़ने का जरूरत नहीं है,
डन है मेरा बात। चलिए अदर कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन नंबर वन, ऑथराइज्ड बाय, बोलो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैं एकदम शॉर्ट में लिखूंगा, बोनस शेयर्स ऑथराइज होना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा। ऑथराइज नहीं है तो आप इश्यू नहीं कर सकते जब तक आप आर्टिकल्स को अमेंड नहीं कर लेते। नंबर बी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ओआर इन जीएम आपको पास करवाना पड़ेगा अगर आप बोनस इश्यू करना चाहते हैं तो। आपको शेयर होल्डर की एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन समझते हैं, 50-50 चांस। अगर आपका मोर देन 50% वोट्स इन फेवर है तो फिर आप वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। उस रेजोल्यूशन को बोलते हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नंबर सी, द कंपनी शैल हैव नॉट डिफॉल्टेड इन, द कंपनी शैल हैव नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स। द कंपनी शैल हैव नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स। अगर डिपॉजिट या डिबेंचर का पैसा बाकी है, इनका इंटरेस्ट बाकी है, तो फिर बोनस देना अलाउड नहीं है। नंबर डी, द कंपनी शैल हैव नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। Payment of statutory dues of its employees like PF, gratuity, etc. कंपनी ने अपने employees का पैसा मार ना रखा हो, अगर employees का पैसा मार रखा है तो फिर bonus share issue करना allowed नहीं है। Point number E, दो default नहीं होना चाहिए, दो default। पहला डिफॉल्ट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स, आपका टाइमली पेमेंट होना चाहिए, नहीं होगा तो बोनस नहीं दे सकते। दूसरा, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज आपने पे कर रखा हो, नहीं पे कर रखा तो बोनस नहीं दे सकते। लास्ट, स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब जिसको स्टैट्यूट यानी कोई लॉ बोला है कि आपको ये पेमेंट करना है, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, पेंशन का पैसा, ये सब एक लॉ के अंतर्गत एम्प्लॉइज को पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपने इनका पेमेंट नहीं किया है तो फिर आपको बोनस देना अलाउड नहीं है। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब ड्यूज या पैसा जो आपको कोई स्टैट्यूट या लॉ बोलता है कि इंप्लॉइज को देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, ईएसआई, इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, बहुत सारा टाइप का होता है। बोनस खुद भी एक लॉ के अंडर है, तो ये सारा चीज उसके अंदर आता है। डन। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन लियू ऑफ डिविडेंड। बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड इन लियू ऑफ डिविडेंड, मतलब अगर आपने डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो आप शेयर होल्डर को यह नहीं बोल सकते कि यार अब पैसा नहीं है, तुम एक काम कर बोनस शेयर रख ले, डिविडेंड भूल जा। डिविडेंड एक बार अनाउंस हो गया वो सिर्फ पेमेंट हो सकता है इन कैश, तो बोनस डिविडेंड के अगेंस्ट दिया नहीं जा सकता, या डिविडेंड का पैसा के अगेंस्ट आप बोनस शेयर अपने शेयर होल्डर्स को इश्यू नहीं कर सकते। ये पांच अदर कंडीशंस है जो आपको अलग से याद रखने का है। दो कंडीशन अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट था, पहला शेयर्स फुल्ली पेड होना चाहिए, दूसरा क्या क्या रिजर्व यूज कर सकते हो, सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं हो सकता। ये दो कंडीशन लास्ट क्लास पढ़ा दिया था, अब ये थ्योरिटिकल कंडीशन पांच तो जो अभी आपको पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है थ्योरिटिकल, बोलता है बोनस शेयर के लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, ओआर इन जीएम, एसआर इन जीएम, बीआर एट बीएम, नन ऑफ द अबव, ओआर इन जीएम। ये आपको याद होना चाहिए, पता रहना चाहिए। डन। प्लीज ये सब कंपनीज एक्ट से जो पढ़ ले आप, उसके बाद बार बार लर्न करने का कोशिश मत कीजिएगा। अकाउंट्स में लर्न करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको आंसर दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ वो एक बार री याद करना है, रीथिंक करना है एंड टिक करना है।
तो अकाउंट्स में आपको अलग से लर्न करने का दरकार नहीं पड़ता है। तो ये सब यहां से लर्न करने से अच्छा कंपनीज एक्ट से लर्न कर लीजिएगा। जब तक वहां पे नहीं होता तब तक यहां से पढ़ो, जब वहां पे हो जाए फिर ये सबको हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। धन्यवाद। चलिए लास्ट पॉइंट फॉर द चैप्टर, पॉइंट नंबर 10। ये मेरा टॉपिक नंबर 2 है इस चैप्टर का, बोनस कॉल। 2 मिनट समझाने में लगेगा, 5-5 मिनट का 2 क्वेश्चन, छुट्टी हो जाएगा। बोनस कॉल, थर्सडे का एजेंडा रहेगा राइट शेयर्स बोल के एक टॉपिक का, वो कंप्लीट करना है। फिर अभी तक जो 2 चैप्टर हो चुका ना उनके एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। सीएमए को भी आना है, सीएमए में भी एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव सब आता है। तो मैं सीएमए की बुक वाला भी लेके आऊंगा और सीएस वाला भी, आपको शीट दी जाएंगी, उनसे अपने कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, बोनस कॉल लिखिए। मैंने लास्ट क्लास समझाया था, बेसिक लिखा रहा हूं। इन दिस केस द कंपनी मेक्स इट्स पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स, पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स, पार्टली पेड मतलब अभी तक पूरा रुपया दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया। इन दिस केस द कंपनी मेक्स इट्स पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड, हम लोग उसको क्या बना देंगे, फुल्ली पेड बाई यूजिंग रिजर्व्स, बाई यूजिंग रिजर्व्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, बाई यूजिंग रिजर्व्स विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम शेयर होल्डर, विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स। मैंने ये लास्ट क्लास आपको बताया था, इसीलिए डेफिनेशन लिखवाया। यहां पर कंपनी नया शेयर इश्यू नहीं करेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर है उसी को फुल्ली पेड बनाएगा। मान लो कंपनी में 10,000 शेयर है, कितने शेयर, 10,000, 10 रुपए वाले शेयर है, ₹8 पेड है, कितने पेड है, ₹8 पेड। कंपनी बोल रहा है ऐसे तो शेयर होल्डर यू आर ऑब्लाइज टू पे मी ₹2 पर शेयर, बिकॉज अभी तक शेयर पार्टली पेड है, तो आपको ₹2 देना चाहिए तभी यह शेयर फुल्ली पेड होगा। मैं आपके बिहाफ में इन शेयर्स को फुल्ली पेड कर रही हूं, यूजिंग माय रिजर्व यू विल नॉट हैव टू पे एनी कंसिडरेशन। तो बिना कुछ दिए अगर तुम्हारे ₹8 वाला शेयर ₹10 वाला बन जाए तो ये भी तो एक टाइप का क्या है, बोनस है। और इस बोनस को हम लोग बोनस शेयर नहीं बोलते, बोनस कॉल बोलते हैं। तो जब कंपनी बोले कि आपका पार्टली पेड शेयर हम फ्री में फुल्ली पेड बना रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बोनस कॉल। अब एक बार फर्क बताना, बोनस शेयर्स में नया शेयर इश्यू होता है, हाँ या ना, बट बोनस कॉल में नया शेयर इश्यू नहीं होता है। बोनस शेयर में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, बोनस कॉल में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ेगा। बोनस शेयर्स में कैपिटल बढ़ेगा, बोनस कॉल में कैपिटल बढ़ेगा। अरे ₹8 का शेयर ₹10 का हो जाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा रे, उसमें भी बढ़ता था इसमें भी बढ़ेगा, क्योंकि ₹8 वाला शेयर अब क्या बनने जा रहा है, ₹10 वाला। नंबर ऑफ शेयर्स के कारण नहीं बढ़ेगा, पेड अप वैल्यू बढ़ने के कारण बढ़ेगा। वहां पे कैपिटल बढ़ रहा था बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स वेर इंक्रीजिंग, यहां पे कैपिटल बढ़ेगा बिकॉज पेड अप वैल्यू इज इंक्रीजिंग। पहले बताइए बोनस शेयर और बोनस कॉल में क्या फर्क है, ये समझ में आया? तो यहां पे नीचे लिखे मेरे साथ, बोनस शेयर वर्सेस बोनस कॉल, समझ में आएगा तो हमेशा गलती करने से बचेंगे। बोनस शेयर में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस, यहां पे बोलो नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीजेस, नहीं रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। नंबर 2, शेयर कैपिटल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ, क्यों, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। इधर बोल शेयर कैपिटल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पेड अप वैल्यू, इंक्रीज इन पेड अप वैल्यू।
ये दो डिफरेंस आपको सब सब समय याद होना चाहिए कि व्हाट इज अ बोनस शेयर एंड व्हाट इज अ बोनस कॉल। पहले बोनस कॉल का मतलब समझ में आया, तो पार्टली पेड शेयर को बिना पैसा लिए फुल्ली पेड बना देना इस बोनस कॉल। इसके कारण नंबर ऑफ शेयर्स तो चेंज नहीं होगा बट पेड अप वैल्यू बढ़ जाएगा। पेड अप वैल्यू बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। बोनस कॉल के लिए नॉर्मली सारा प्रोविजन लागू होता है जो बोनस शेयर के लिए लागू होता है। जैसे वहां पे भी अपने रिजर्व्स यूज कर रहे थे, यहां पे भी अपने रिजर्व्स यूज करेंगे, बट ये रिजर्व्स जो हम लोग यूज करेंगे ना उसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा। वहां पे हम लोग क्या क्या रिजर्व यूज किए बताना, बताओ। सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल, ये अपने यूज किए वहां पे। अब बोनस कॉल के लिए भी रिजर्व्स यूज होगा बट ये सारे रिजर्व बोनस कॉल के लिए यूज नहीं हो सकते। ध्यान से, सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम ये जो रिजर्व्स है ना, ये ऐसे रिजर्व्स है जिनका स्पेसिफिक एक्ट में फंक्शन लिखा हुआ है। जब आप एक्ट में इनका फंक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है दीज कैन बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। क्या चीज के लिए? इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। क्योंकि एक्ट में बोल दिया ये सिर्फ बोनस शेयर के लिए यूज हो सकता है, तो इनको हम लोग बोनस कॉल में यूज नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम का एक्ट में जब आप फंक्शन पढ़ोगे सेक्शन 52, 55 या सेक्शन 69, आपको दिखाई देगा कि यहां पे जो यूसेज है वो सिर्फ इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स करने के लिए है, क्योंकि वो बोनस शेयर्स लिखा हुआ है एक्ट में कि यूज हो सकता है, बोनस कॉल मेंशन नहीं है, इसीलिए हम इन दोनों को बोनस कॉल में यूज नहीं कर सकते। यहां पर ये पांचों अलाउड है बट जब बोनस कॉल में जाएंगे ना, बोनस कॉल में सीआरआर अलाउड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलाउड, बाद बाकी तीनों आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कैपिटल रिजर्व जब भी यूज करेंगे कौन सा वाला? कैश वाला, नॉन कैश पोर्शन कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो तीसरा डिफरेंस है कौन कौन सा रिजर्व यूज किया जा सकता है बोनस शेयर के लिए एंड बोनस कॉल के लिए। डिफरेंस इतना ही है, सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम बोनस शेयर्स के लिए यूज हो सकता है बट बोनस कॉल के लिए यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्ट में इनका फंक्शन लिखा हुआ है इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। क्योंकि बोनस शेयर इश्यू किया जा सकता है एक्ट में, वही स्पेसिफाइड है, हम लोग बोनस कॉल के लिए इनको यूज नहीं करेंगे। पढ़ना है अगर आपको सेक्शन, सेक्शन 52 जरूर पढ़े, 55 पढ़े, 69 पढ़े, आपको ये दिख जाएगा। 55 और 69 में है सीआरआर और 52 में है सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा दीज कैन बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, बोनस कॉल इज नो वेयर स्पेसिफाइड इन द एक्ट, सो हम लोग उनको यूज नहीं करेंगे। तो पहला दो डिफरेंस था टेक्निकल डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस था अकाउंटिंग वाइज डिफरेंस, जिसमें हम लोगों ने क्या बोला, यहां पर पांच रिजर्व यूज हो सकता है बट यहां पे सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं हो सकता। एंट्री उतना ही चेंज हो जाएगा, रे पहले आप पांचों रिजर्व डेबिट करके टू बोनस करते थे, अब सिर्फ तीन रिजर्व डेबिट करके टू बोनस करना। डन है क्या बात? पक्का। ये वाला बात याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोनस कॉल के लिए। ये जिसको याद रहेगा वो बोनस कॉल का सम्स कर लेगा एक बार में। डन। सिर्फ लास्ट बात लिखो, जर्नल्स। रिजर्व में जाता है बट सारा रिजर्व हर काम में आए जरूरी नहीं है। हम लोग यूज में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बट हर रिजर्व हर काम में यूज आए ऐसा भी तो मैंने नहीं बोला। मैंने रिजर्व कल दो पार्ट में बांटा था, फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक रिजर्व में मैंने क्या बोला था, ये सिर्फ उस काम में आएगा जो एक्ट में बताया गया है। तो जब उस एक्ट में बताया नहीं गया है बोनस कॉल के लिए, तो हम चाह कर भी उसको यूज नहीं कर सकते। करेक्ट। दिस इज काइंड ऑफ लॉ और रूल यू हैव टू फॉलो। डन। आगे जर्नल, सुनिए ना, जर्नल बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले बताइए, पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कॉल करना पड़ता है, जर्नल एंट्री बोलो कॉल करने का। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
इसके बाद पता है आप क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। बट मैं वो अब करने नहीं दूंगा क्योंकि उनसे तो पैसा लेना, अब वही चीज क्या रूप में करना है, बोनस के रूप में। ध्यान से, तो मेरा दूसरा एंट्री होगा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। मतलब इस बार मैं पैसा लेके फुल्ली पेड नहीं करवा रहा हूं, बोनस देके फुल्ली पेड करवा रहा हूं। अभी तक एंट्री आप क्या पढ़ते थे, बैंक टू फाइनल कॉल, अब मैंने चेंज क्या कर दिया, बोनस टू फाइनल कॉल। अब ये बोनस कहां से निकालना पड़ेगा, रिजर्व से। कौन कौन सा रिजर्व यूज करूं बताइए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। एंट्री कुछ नहीं है रे, एंट्री बिल्कुल सिंपल है। पहले फाइनल कॉल कर लो ताकि शेयर फुल्ली पेड हो जाए, फुल्ली कॉल्ड हो जाए, फिर पैसा लेना अलाउड नहीं है क्योंकि आप बोनस दे रहे हो, तो बोनस टू फाइनल कॉल करके फुल्ली पेड करवा दिया। अब ये बोनस कहां कहां से दे सकते हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और पीएल से। तो वहां से मैंने बोनस के लिए रिजर्व सेट असाइड कर लिया। डन है, सिर्फ ये तीन एंट्री आपको करना है पूरे सब्स में। डन, खत्म हो गया काम। क्वेश्चंस में आते हैं, पेज 12 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 कैडबरी क्वेश्चन है। हां, पहले 8 समझ लो, 9 आपको करना है, जो करेगा उसको कैडबरी देंगे। ठीक, पहले 8 पढ़ते हैं। फॉलोइंग आइटम्स अपियर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ तुलसिया लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹7.5 पेड अप। पहले बोलो फुल्ली पेड की पार्टली पेड, पार्टली पेड। सीआरआर प्लांट रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन के लिए कुछ बोलो, ये तो कोई काम में यूज नहीं हो सकता, इसको तो मैं कट कर देता हूं। सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व पीएल, आगे बोला कैपिटल रिजर्व है तो 75,000, बट 25,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी से आया है, सेल ऑफ मशीनरी कैश है, तो 25,000 कैश है और बैलेंस 50,000 नॉन कैश है। कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट पार्टली पेड इक्विटी शेयर इनटू फुल्ली पेड शेयर बाय वे ऑफ बोनस। बोल रहा है कंपनी जो ₹2.5 बाकी है ना लेना, उसको बोनस देके फुल्ली पेड करवा देगा, आपको जर्नल एंट्रीज करके देने का है। चलिए हम लोग जर्नल एंट्री करें। क्वेश्चन नंबर 8 सीधा जर्नल, कोई वर्किंग नोट नहीं चाहिए। तुलसियान लिमिटेड जर्नल, सबसे पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने के लिए कॉल करना पड़ता है। कॉल करने का एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर्स है, 40,000, कितना रुपया है, 2.5, तो टोटल 100,000। 40,000 इंटू 2.5 100,000, इसको इसके लिए हम उनसे पैसा मांगेंगे या बोनस देंगे, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 100,000 100,000। अब ये बोनस के लिए आपको कहां से निकालना पड़ेगा, सेट असाइड कहां से करना पड़ेगा पैसा, रिजर्व से। कौन कौन सा रिजर्व यूज करोगे, ध्यान से, सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करने दूंगा क्योंकि वो शेयर्स में यूज हो सकता है, वो कॉल में यूज नहीं हो सकता। तो फर्स्ट रिजर्व कौन सा यूज होगा, कैपिटल रिजर्व, कितना रुपया, 25,000 सिर्फ कैश पोर्शन। जनरल रिजर्व और कितना चाहिए तुमको, 75,000, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1,00,000। मेरे को 100,000 रुपया रिजर्व से निकालना है, कैपिटल रिजर्व में 25,000 है, बैलेंस 75,000 जनरल रिजर्व से निकाल लेंगे। हमेशा पहले कौन सा रिजर्व यूज करते हैं, स्पेसिफिक, फिर कौन सा रिजर्व यूज करते हैं, फ्री रिजर्व्स। 8 के बाद क्वेश्चन 9 आपको करना है।
कैडबरी क्वेश्चन है, पहले कॉल किया, फिर बोनस से उस कॉल को पेमेंट करवाया, फिर बोनस के लिए रिजर्व सेट असाइड किया। सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना अलाउड नहीं है। क्यों यूज करना अलाउड नहीं है? वो सिर्फ बोनस शेयर के लिए यूज हो सकता है।
मैं सिर्फ एक चीज बोल देता हूं, क्योंकि बच्चों आपने आधा कर रखा है। नीचे क्वेश्चन में बोला है कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट पार्टली पेड शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस, मतलब ये जो 7.5 में 2.5 रुपया बाकी है ना, वो बोनस के रूप में फुल्ली पे हो जाएगा। एंड टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू दी होल्डर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स इन दी सेम रेशियो। यहां देखो कंपनी के दो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इनको कंपनी ने क्या देके खुश कर दिया, बोनस कॉल। तो इनको कंपनी अब क्या दे रही है, बोनस शेयर्स। अब मेन काम पता है क्या चीज पे है, सेम रेशियो। ये आप करें, हेलो, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार। दो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट किया है, वेरी गुड। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹7.5 पेड अप, ये पार्टली पेड है। 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये फुल्ली पेड है। CRR प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व बेकार है, सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व, यहां पर एक ट्रिक था, इंक्लूडिंग 25,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी। ये 25 नॉन कैश है, मतलब कैश कितना है, 50,000 कैश है। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन सेल लिखा था, यहां पे वर्ड प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज लिखा है। कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट पार्टली पेड शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस एंड टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू दी होल्डर्स ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स इन दी सेम रेशियो, गिव जर्नल एंट्रीज। पहले एक काम करते हैं, पार्टली पेड शेयर्स वाले का काम सलटाते हैं, वो आपने अभी जस्ट सीखा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना बताइए, 40,000 इंटू 2.5, 1,00,000। नंबर टू, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,00,000, 1,00,000। अब ये बोनस कहां से दे सकते हैं हम लोग, रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 50,000 कैश वाला पोर्शन, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 50,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स।
पहले ये तीन एंट्री सबका राइट है क्या, ये चेक कर लो। यहां तक राइट है, वेरी गुड, यहां तक सबका राइट, गुड। अब क्वेश्चन बोल रहा है, हम लोग पाटलिप्ट शेयर्स को तो बोनस दे दिए, हम लोगों ने सीखा कि बोनस सारे शेयर होल्डर्स को यूनिफॉर्मली मिलना चाहिए, तो कंपनी ने बोला कि पार्टली पेड को हमने ऐसे बोनस दे दिया। इसी सेम रेशियो हम अपने फुल्ली पेड शेयर्स को भी बोनस देना चाहते हैं। मेरे को सबसे पहले बोनस का रेशियो समझाओ, वर्किंग नोट, बोनस रेशियो। मेरे को एक बात बता, उनका पेडअप कैपिटल कितना था? पेडअप कैपिटल उनका जिनको बोनस दिया 3 लाख, उस 3 लाख के अगेंस्ट मैंने कितना बोनस दिया? 1 लाख। तो अगर मैंने 1 लाख रुपया का बोनस दिया है ऑन अ कैपिटल ऑफ 3 लाख, तो मेरा बोनस का रेशियो क्या हो गया? 1:3। मेरा बोनस का रेशियो हो गया 1:3। अब इस बोनस रेशियो के हिसाब से नंबर ऑफ बोनस शेयर्स बताओ, 60,000 × 1/3, 20,000 शेयर्स। तो अमाउंट ऑफ बोनस बताइए, 2 लाख रुपया। पहले तुम क्या गलती कर रहा था, तेरे को समझ में आया? उसके बाद तुम ठीक कर लिया, वेरी गुड। वो कर रहा था बच्चा 1/4। 1/4 कैसे कर रहा था? 1 लाख बोनस, कैपिटल 4 लाख का। जब बोनस दिए तब कैपिटल 3 लाख का था। वही तो मैं बोल रहा हूं, तुम 4 लाख की कैपिटल पे 1 लाख ले रहा था, तो तुमने बोनस लिया 1:4, बट जब बोनस दिए तो कैपिटल 4 लाख का नहीं था, कैपिटल 3 लाख का था। तो 3 लाख की कैपिटल पे 1 लाख का बोनस, तो मेरे को बोलना है कि रेशियो क्या होगा? 1:3। अब सुन, ये 2 लाख रुपया कहां से लाएंगे? सबसे पहले CRR। सर CRR यूज क्यों कर रहे हैं? ये बोनस शेयर है, बोनस कॉल नहीं है, तो CRR यूज हो सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सॉरी नीचे है ना, 130। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 55। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बोलो 15। बैलेंसिंग फिगर 2 बोनस, 2 लाख रुपया। अब एक बार चेक कर लेना, जनरल रिजर्व में 15,000 है ना, जनरल रिजर्व था 130, मैंने यूज कर लिया था 50, तो कितना बचा था? 80, तो मैं 15,000 यूज कर सकता हूं। CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 बोनस। फिर दूसरा एंट्री, बोनस अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जर्नल्स कंप्लीट हो गया, तुम मेरे एक सवाल का आंसर दोगे, आफ्टर बोनस इक्विटी शेयर कैपिटल अब कितने का हो जाएगा? आफ्टर बोनस, वेरी गुड, 40,000 पहले शेयर्स था, 60,000 था, यानी 1 लाख था, 20,000 और बोनस शेयर आया है, तो 1,20,000 शेयर सब फुल्ली पेड है, 1,20,000 × 10 रुपया, 12 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। बात बाकी एवरीथिंग यू कैन कंप्यूट दी सेम वे जैसे आप कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छा बात पता है क्या था? ये 1:3 रेशियो निकालना था हमको। डन, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थर्सडे मिलेंगे, दैट विल बी लास्ट क्लास बिफोर दिवाली।